हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग जावा स्क्रिप्ट में व्हाइल लूप की मदद से किसी भी नंबर को इनफाइनाइट तक प्रिंट करा सकते हैं। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक वैर लिखा और यहाँ पर मान लीजिए मैं इस वेरिएबल का नाम नम लिख दिया और यहाँ पर इसके अंदर मैं मान लीजिए वन कोई भी मतलब नंबर दे रहा हूँ, वन या टू कुछ भी दे सकते हैं। और फिर मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने व्हाइल लूप का प्रयोग किया, तो व्हाइल लूप ऐसे लिखेंगे व्हाइल, इसके अंदर आपको कंडीशन लिखना होगा। कंडीशन क्या लिखना पड़ेगा कि नम का जो वैल्यू होना चाहिए कहाँ तक ट्रू होना चाहिए, इसको ट्रू करना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए मैं 10 है, आप देख रहे हैं नम जो क्या है 1 है, और 1 क्या होना चाहिए यहाँ पे, देखिए 10 से क्या है छोटा है और 10 क्या हमारा बड़ा है, ठीक है। तब तक प्रिंट करना होगा। फिर यहाँ पे क्या करना हमको इसके अंदर प्रिंट कर देना है लाग, जैसे लेकिन कंसोल डॉट लाग, इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा नम को प्रिंट करा देना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं करूँगा यहाँ पे देखिए, जब तक ये तब तक प्रिंट होगा नम तब तक प्रिंट होगा जब तक यहाँ पे 10 ट्रू है। अगर ट्रू नहीं रहेगा तो प्रिंट होगा, यहाँ पर ट्रू है। और यहाँ पर जैसे मैं देखिए रन करूँगा तो आप देखेंगे जो हमारा 1 है लगातार प्रिंट हो, देखिए लगातार प्रिंट हो रहा है हमारा, देखिए जब तक इसको मैं रोकूंगा नहीं तब तक लगातार प्रिंट होता रहेगा ही, और मेरा सिस्टम हैंग भी हो सकता है, इसलिए मुझे इसको बंद करना होगा। यहाँ पे देखिए मैं कंट्रोल सी किया और यहाँ से बंद कर दिया यहाँ पे, नहीं देखिए इतना ज़्यादा वन प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है। तो लगातार प्रिंट होता जा रहा है, जितने बार चाहे उतने बार प्रिंट हो सकता है, व्हाइल लूप मतलब इनफाइनाइट तक प्रिंट हो सकता है अगर चाहते हैं आप। ये तब तक प्रिंट होता है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा, मतलब हमारा क्या है ये 10 हमारा क्या है एक नंबर है। अब ये सपोज मान लीजिए यहाँ मैंने दिया मैंने मान लीजिए 20, ठीक है। अब यहाँ पे जब कंपेयर करेगा 20 20 क्या है 10 क्या है, 20 से बड़ा है नहीं है ना, और नहीं है तो यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल से सेव करूंगा और यहाँ पे जब रन करूंगा तो आगे कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑलरेडी क्या है या फॉल्स है, क्योंकि यह ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 10 हमारे साथ 20 से बड़ा हो। तो जब आप नीचे देखेंगे इसको हम यहाँ से मैं इसको कंट्रोल वहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से आऊँगा इसके अंदर मैं, और इसमें हम आकर के कंट्रोल सीएलएस करेंगे हम, यहाँ पे खत्म हो गया। और यहाँ से आप फिर क्या करेंगे कंट्रोल सेव करके या फिर रन करेंगे आप यहाँ दोबारा, देखिए इसके अंदर कोई प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कंडीशन क्या है फॉल्स है। जो 20 हमारा है नॉम 20 हमारे यहाँ दे रहा है वो क्या है वो 10 से क्या हमारा बड़ा है, ना कि 10 बड़ा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ये वाला काम नहीं करेगा। यही मान लीजिए अगर हमारे यहाँ पे 40 मान लीजिए है, सपोज मान लीजिए 40 है, और फिर यहाँ से मैं क्या किया कंट्रोल एस सेव किया, देखेंगे जो हमारा 20 है वो लगातार प्रिंट होगा अनगिनत, जितनी बार चाहिए इन्फाइनाइट लिखना इन्फाइनाइट तक प्रिंट होता ही रहा है, मुझे इसको बंद करना होगा वरना यह फॉल्स। यहाँ देखिए बंद नहीं हो रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा आपको, जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक आपका पूरा का पूरा सिस्टम भी हैंग हो सकता है, इसलिए आपको बंद करना बहुत जरूरी होता है इसको। इस तरह आप किसी भी चीज़ को न मतलब जैसे लगातार प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे देखिए 20 लिखा और यहाँ से मतलब कोई भी चीज़ मतलब जो ट्रू होना चाहिए कंडीशन, अगर ट्रू रहेगा तभी आप प्रिंट होगा, ट्रू नहीं रहेगा तो लगातार प्रिंट नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि मतलब इसे प्रिंट ना होने दे लगातार, ठीक है, ये 40 तक प्रिंट हो, 20 से लेकर 40 तक, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना होगा नम प्लस प्लस, यहाँ पे लिखना होगा आपको जो कंडीशन है हमारा वो लिखना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका हो पाएगा आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैंने नम प्लस प्लस लिख दिया। अब क्या होगा ये 20 से लेकर के यहाँ से या कंपेयर करेगा तब तक प्रिंट कर जब तक 40 ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे मैंने इसको रन किया, जैसे रन करूँगा देखिए तब क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे देखिए मिल गया हमको 20 से आगे मिल रहा है हमको, यहाँ से देखिए यहाँ से हमारा 20 से शुरू हो गया, 20 21 22 23 24 से लेकर लगातार हमारा 40 तक प्रिंट हो गया, हमारा 40 के बराबर तक प्रिंट करना है, क्योंकि बराबर यहाँ पे लिखा, अगर मैं जब बराबर यहाँ पे नहीं लिखूंगा इसको मैं हटा दूंगा, कंट्रोल सेव करूंगा और यहाँ पर रन करूंगा तो 39 तक जाएगा ही, देखिए 39 तक गया यहाँ पे मैक्सिमम 39 तक गया, और शुरुआत कहाँ से हुआ हमारा 20 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 20 में ऑलरेडी यहाँ पे दिया था तो यह लगातार प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। और नम प्लस प्लस हटा दिया यहाँ से, अगर ये मैं हटा दिया यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट लूप चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी फॉल्स कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और जब तक ट्रू होता रहेगा क्योंकि हमेशा बड़ा है ये हमें से 40, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसको बंद करना होगा, अगर बंद नहीं करूंगा तो पूरी तरह से आगे चलते लगातार बढ़ता रहेगा। इस तरह से आप चाहें तो आसानी से इनफाइनाइट लूप प्रयोग कर सकते हैं, आप यहाँ कुछ भी नंबर दे सकते हैं, बस यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कंडीशन ट्रू होना चाहिए, अगर ये कंडीशन ट्रू रहा है यहाँ पे तो ये लगातार जितनी बार चाहे उतनी प्रिंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक काम करेगा वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।